नमस्कार, मैं अमित एमएनएस न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। देखते हैं आज की खास खबर। नागपुर में मेट्रो अंतिम जांच के लिए तैयार, 14 को आरडीएसओ और 23 को सीआरएमएस करेगी टेस्टिंग। ड्रीम प्रोजेक्ट मेट्रो शीघ्र ही दौड़ने वाली है। रफ्तार पकड़ने के लिए पहले इस महीने मेट्रो रेल की अंतिम परीक्षा रहेगी। 14 फरवरी को आरडीएसओ और 22-23 फरवरी को सीआरएमएस की नज़र से बर्डी से खापरी व लोकमान्य नगर से सुभाष नगर तक 19 किलोमीटर ट्रैक की टेस्टिंग होगी। सब कुछ ठीक रहने पर मार्च के अंत तक वाणिज्यिक तौर पर मेट्रो रेल चलाई जाएगी। इससे पहले उस दिनों टीम ने खापरी से एयरपोर्ट साउथ स्टेशन तक टेस्टिंग कर प्रमाण पत्र दिया है। लगभग 75% काम पूरा। बता दें कि नागपुर शहर में चारों दिशा में मेट्रो रेल का काम 75% हो गया है। इसमें उक्त दो सेक्शन यानी रिच 1 रिच 3 अंतर्गत मार्च के अंत तक मेट्रो को वाणिज्यिक तौर पर चलाने का ऐलान मेट्रो प्रशासन ने किया है। वादे के अनुसार उक्त दोनों सेक्शन अंतर्गत तेजी से काम करते हुए रिच 1 का काम लगभग पूरा कर लिया है। वहीं रिच 3 अंतर्गत 5 स्टेशनों का काम पूरा कर यह भी वाणिज्यिक तौर पर रेलवे दौड़ाने की कवायद पूरी हो गई है। ऐसे में अंतिम परीक्षा में 14 फरवरी को आरडीएसओ वायडक्ट मार्ग पर ट्रायल लेने वाले है, जिसमें सुरक्षा के संबंध में सभी संसाधनों का निरीक्षण किया जाएगा। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।